हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। केकेपीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग एक का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जो एक्चुअली आपके बुक में 15वां पार्ट दिया गया है और एक्चुअली चौथा पार्ट है। तो उसका शीर्षक है बातचीत। इस विषय के बारे में आज हम जानेंगे, जिसके बारे में इस विषय में वर्णन किया गया है। बातचीत इस शब्द से हमें पता चलता है कि दोनों के बीच जो हुई वार्तालाप, संवाद या संभाषण, उसे हम बातचीत कहेंगे। तो बातचीत के अलग अलग समानार्थी शब्द हैं। एक तो इसका समानार्थी होता है वार्तालाप, संवाद, कन्वर्जन या संभाषण। इसे हम एक ही अर्थ से जानते हैं। तो बातचीत क्या हुआ है इस पाठ में, किन दो व्यक्ति के बीच में बातचीत हुई है, वो इस पाठ में हम जानेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं, एक तरुण और दूसरा शोभा। ये दो मुख्य रूप से पात्र हैं। इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, जो अपने पढ़ाई को लेकर, अपने रुचियों, अपने अध्यापक के बारे में चर्चा उन्होंने की है, जो काफी दिनों के बाद उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, हम भी किसी से अगर मिलते हैं, जब हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो हम अपने मित्र से किस तरह की बातचीत करते हैं, पहले उसका हाल चाल पूछते हैं, किस तरह से वो है, उसके बारे में फिर हम अन्य परिवार के बारे में पूछते हैं। तो उसी तरह की बातचीत इस पाठ में भी हुई है, वो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पढ़ने से पहले इस पाठ को ध्यान से आप एक बार पढ़ेंगे, घर पर अभ्यास करेंगे, ध्यान से एक बार आप उसको रीड करेंगे, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, ताकि पढ़ाते समय आपको अगर कोई शब्द नहीं समझता हो तो उस टेक्स्ट बुक में आप आसानी से देख सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक आप खोल के बैठिए, इस वीडियो को देखते समय टेक्स्ट बुक खोल के देखिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पाठ हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने पढ़ा है, और ये आपको रिवीजन के रूप में पढ़ाया जा रहा है, फिर से एक बार पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पाठ आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था और उस पर एक वर्कशीट भी भेजी थी, वो वर्कशीट बहुत से बच्चों ने कंप्लीट नहीं की है, पूर्ण नहीं किए हैं। कुछ बच्चों ने करके भेजा है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पूरी नहीं की है। तो वो बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक वो वर्कशीट पूरी नहीं की है, इस वीडियो को देखकर समझकर वो वर्कशीट को पूरा करना है, जो आपको इंटरनेट पर मिलेगी, कैंपस के जो ऐप है हमारा उस पर मिलेगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। देखिए, उसमें से डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो को देखिए और वो वर्कशीट पूरी कर मेरे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। और जिन बच्चों ने वर्कशीट भेजी है, उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए अन्य प्रश्न, नए प्रश्न आपके लिए होंगे, तो वो आपको आपके जो इंटरव्यू है उस पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो जिन्होंने नहीं भेजे हैं, उन्हें भेजना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ये आपको मुख्य रूप से बताया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं आज की जो पाठ है बातचीत से संबंधित। तो आइए हम जानते हैं क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तरुण और शोभा, ये दोनों मिले हैं, इनकी मुलाकात हुई है। तो जैसे ही मिले हैं, तरुण कहता है, देखिए हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये है कि सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं, चाहे वो बड़े हो, चाहे अपने परिवार के लोग हो, या कोई अजनबी हो, या अपना दोस्त हो, हम उसे अभिवादन करते हैं। आप भी करते होंगे, करते हैं ना? हाँ, उसी तरह से यहाँ भी हुआ है। तरुण ने जैसे ही अपने सहेली दोस्त को मिला, जिसका नाम शोभा है, उसने पहले नमस्ते किया। नमस्ते शोभा, हम बहुत समय बाद मिले। ऐसा तरुण शोभा से कह रहा है कि हम बहुत समय बाद मिले हैं। तो उसके जवाब में शोभा भी कहते हैं, उसने उसे जवाब दिया, नमस्ते तरुण, उसने भी नमस्ते किया। फिर तरुण कहता है, शोभा तुम आजकल किस कक्षा में पढ़ती हो? देखिए, बहुत दिनों के बाद मिलने से तरुण को भी नहीं पता था कि शोभा किस क्लास में है, किस कक्षा में है, तो उसने पूछा। तो उसके प्रश्न पूछने पर शोभा ने कहा, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। देखिए, आप भी कक्षा 6 में हैं, तो शोभा भी कक्षा
कक्षा 6 6th क्लास में पढ़ रही है। उसने जवाब दिया तो मैं भी कक्षा 6 में पढ़ती हूं। तरुण ने कहा तुम्हारा विद्यालय कहां है। अगला प्रश्न क्या था, उसको पता चला कि कक्षा 6 में है तब वो स्कूल के बारे में पूछ रहा है कि तुम्हारा विद्यालय कहां है, जिस शहर में रहते थे वहां पे देखिए। तो शोभा ने कहा प्रधान डाकघर के पास, और तुम कहां पढ़ते हो। उसने पहले जवाब दिया कि मेरा विद्यालय प्रधान डाकघर के पास। प्रधान का अर्थ है, ये शब्द यहां पे आया है प्रधान, इसका अर्थ है मुख्य मेन, और ये डाकघर का अर्थ है पोस्ट ऑफिस। तो जहां पर इस शहर में मुख्य पोस्ट ऑफिस है, प्रथम प्रधान जो पोस्ट ऑफिस डाकघर है वहां उसके पास मेरा विद्यालय है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आपका विद्यालय कहां है, पूछेंगे ऐसा तो आप क्या जवाब देंगे। आपको पता है आपका विद्यालय कहां है। जिस तरह से तरुण ने शोभा से पूछा तो उसने कहा कि मेरा विद्यालय प्रधान डाकघर के पास है। समझो किसी ने आपको या आपके रिलेटिव्स ने, मित्र ने, या किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि आपका विद्यालय कहां है, तो क्या जवाब देंगे आप। हाँ, आप कहेंगे कि मेरा विद्यालय खुरगांव इस छोटे से गांव में है जो एक नदी आसना नदी के पास से गुजरता है उसके करीब है, या जो रोड जाता है मालेगांव रोड या बसमत रोड उस रोड पर स्थित है, ऐसा आप कहेंगे। इस तरह का जवाब आपका होगा, ठीक है। तो शोभा ने कहा मेरा विद्यालय प्रधान डाकघर के पास है। फिर शोभा कहती है और तुम कहां पढ़ते हो। फिर शोभा ने तरुण से पूछा कि तुम कहां पढ़ते हो। तो तरुण ने कहा मैं आजकल चेन्नई में पढ़ता हूं। देखिए तरुण उस स्थिति में नहीं रहता जहां पे थे, वो चेन्नई में रहता है तमिलनाडु में, वहां पे मामा जी रहते हैं। अच्छा शोभा तुम्हारे विद्यालय में हिंदी कौन पढ़ाता है। तरुण ने कहा कि मैं चेन्नई में पढ़ता हूं जहां पे मेरे मामा जी हैं, मामा जी के साथ मैं रहता हूं, मामा जी वहां पे रहते हैं इसलिए मैं चेन्नई में पढ़ रहा हूं। फिर वो पूछ रहा है कि अच्छा शोभा तुम्हारे विद्यालय में हिंदी कौन पढ़ाते हैं। ये प्रश्न किसने पूछा, किसे, तरुण ने शोभा से पूछा। तो फिर उसके जवाब में शोभा देती है मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में हिंदी वरदा जी पढ़ाती है। वरदा जी टीचर का नाम है, अध्यापिका का नाम है। तो कहती है कि मेरे विद्यालय में हिंदी वरदा जी पढ़ाती है, वे बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमें रोचक कहानियां सुनाती है, हिंदी के गीत भी सिखाती है। शोभा ने कहा कि मेरे विद्यालय में हिंदी वरदा जी नाम की जो अध्यापिका है वो पढ़ाती है, वे बहुत रोचक दिलचस्प तरीके से मजेदार तरीके से सिखाती है, पढ़ाती है, और वे हमें रोचक कहानियां मजेदार नए नए कहानियां सिखाती है, पढ़ाती है, और हमें हिंदी के गीत भी सिखाती है। ऐसा शोभा ने किसे कहा, तरुण से कहा। तो तरुण कहता है अरे वे तो मेरी मौसी की सहेली है। देखिए वरदा जी जो अध्यापिका थी वो वरुण की पहचान की थी, तो उसने कहा अरे ये तो मेरी मौसी की सहेली है, और कहता है मैं मौसी के साथ कभी कभी उनके घर जाता हूं, वे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। तरुण को पता था कि वरदा जी कौन है, वो तरुण के मौसी की सहेली थी जो शोभा को हिंदी पढ़ाती थी। तो कहता है कि मेरे मौसी के साथ मैं कभी कभी उनके घर जाता हूं और वे बहुत अच्छे से बातें करती है, ऐसा तरुण ने शोभा से कहा। तो शोभा फिर कहती है तुम ठीक कहते हो तरुण, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं जब हिंदी कक्षा में पढ़ती हूँ तो उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वरुण ने जब कहा बहुत सही कहा। तरुण आजकल शाम को तुम क्या करते हो, शोभा ने फिर दूसरा प्रश्न किया। देखिए ये दोनों के बीच की बातचीत हो रही है जो बहुत दिनों के बाद मिले हैं। अगला प्रश्न क्या था, तरुण आजकल शाम को तुम क्या करते हो, प्रश्न किया है शोभा ने तरुण से। तो तरुण कहता है शाम को मैं 1 घंटा खेलता हूं, शाम के समय मैं 1 घंटा खेलता हूं। क्यों, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, फिट रहे, अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे, इसलिए वो कह रहा है कि शाम को मैं 1 घंटा खेलता हूं। मेरे घर के पास एक अच्छा मैदान है, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेट भी खेलते हैं। शोभा तुम कौन सा खेल खेलती हो। तरुण ने शोभा से कहा कि शाम के समय 1 घंटा मैं खेलता हूँ, हमारे घर के पास जो मैदान है उस मैदान में कभी कभी हम सब बच्चे मिलकर फुटबॉल खेलते हैं और
क्रिकेट भी खेलते हैं? ऐसा उसने जवाब दिया। फिर तरुण कहता है कि तुम कौन सा खेल खेलती हो? मैं तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलता हूं। तो शोभा ने कहा मैं खो खो खेलती हूं। यू नो खो खो, खेला है कभी आपने? खेला है? यस। तो मैं खो खो खेलती हूं, मैं कभी भाई बहनों के साथ अंताक्षरी भी खेलती हूं। तो उसने कहा कि मैं खो खो खेलती हूं, क्या आपके भी विद्यालय में या आपके मैदान में खो खो खेला जाता है? नहीं। हाँ, खो खो आपको पता है खेलना, पर आपके विद्यालय में वो खेल नहीं है। कबड्डी है? नहीं। तो कौन कौन से खेल आपके विद्यालय में खेले जाते हैं? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, जिम्नास्टिक, चेस, टेबल टेनिस, ये खेल आपके विद्यालय में होते हैं, लेकिन कबड्डी खो खो नहीं होता है। उसने कहा कि मैं खो खो खेलती हूं, मैं कभी कभी भाई और बहनों के साथ अंताक्षरी भी खेलती हूं। आपको पता है आप खेलते हैं अंताक्षरी? क्या होता है अंताक्षरी, किस तरह से खेला जाता है? हाँ, तो अंताक्षरी देखिए, तरुण कहता है अंताक्षरी बुद्धि का खेल है, दिमाग का खेल है। जिस तरह से शतरंज खेला जाता है, चेस खेला जाता है, उसी तरह से अंताक्षरी भी दिमाग से खेली जाती है। तो बुद्धि का खेल, ऐसे तरुण ने शोभा से कहा। शोभा कहती है हाँ तरुण, इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है। इस खेल से, ये अगर खेल हम खेलेंगे तो इससे हमारे याद करने की क्षमता, जो हमारे अंदर इस तरह का खेल अगर खेलेंगे हम, चेस की तरह, अंताक्षरी की तरह, ये खेल खेलने से हमारे दिमाग तेज होता है, वो उससे हमारी याद करने की क्षमता बढ़ती है, ऐसा उसने शोभा ने कहा। फिर मस्तिष्क का व्यायाम भी आवश्यक है, जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसका व्यायाम भी आवश्यक है। याद करते रहना, हर समय पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, हमेशा अलग अलग ढंग से सोचना, किसी बात का हल अलग, किसी समस्या का हल अलग नहीं हो रहा है, उसको अलग तरह से सोचना, वो भी उसका मस्तिष्क का व्यायाम होता है। उसे मस्तिष्क यानी दिमाग, दिमाग का व्यायाम होता है। व्यायाम में कसरत, जिस तरह से हम हमारी बॉडी की व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, उस तरह से दिमाग का भी व्यायाम होता है। तो ऐसा शोभा ने उसे कहा। तो अंत में तरुण कहता है मैं यह भी मानता हूं अब मैं खेल के साथ साथ अंताक्षरी भी खेलूंगा। मैं तो फुटबॉल क्रिकेट खेलता हूं मेरे शरीर के लिए, बॉडी के लिए, फिट रहने के लिए, अब इसके साथ साथ मैं कभी कभी दिमाग का खेल भी खेलूंगा। दिमाग जो हमारा मस्तिष्क है, उसका व्यायाम होने के लिए अंताक्षरी भी मैं खेला करूंगा। ऐसा तरुण ने शोभा की बात मान ली। तो इस तरह से यहां पर तरुण और शोभा के बीच में जो बातचीत हुई है, जो वार्तालाप, जो संवाद, जो संभाषण हुआ है, वो इस पाठ में दिया गया है। देखिए, इस पाठ को रखने का उद्देश्य क्या है, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों रखा गया है? उद्देश्य यही है कि इस पाठ को पढ़कर आप भी अपनी बातचीत को, अपने संवाद को, अपने संभाषण को, उसमें आपको उसका आपका विकास करना चाहिए, उसमें डेवलप करना चाहिए। आपको भी किस तरह से संवाद किया जाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों को मिलने पर, या अपने पड़ोसी को मिलने पर, और किसी को मिलने पर किस तरह से संवाद करना चाहिए, ये उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। तो इस पाठ को पढ़कर आप, मैं आशा करूंगा कि आप इस तरह से संवाद करेंगे जब आप किसी से मिलेंगे, अपने दोस्त से। तो इस तरह का वर्णन इस पाठ में किया गया है, शोभा और तरुण के बीच में, ये दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, इसीलिए इस पाठ का नाम दिया गया है बातचीत, जिसका क्या अर्थ है, संभाषण, वार्तालाप, संवाद। तो ये दोनों के बीच की बातचीत है। इस तरह से आप ध्यान से इसको पढ़िए, और इस पाठ से जुड़े कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न हम अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक हम पढ़ते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और देखकर समझिए, समझकर जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो प्रश्न पूर्ण करके मेरे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।